नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, मगध यूनिवर्सिटी का जो मैटर है, हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट लगातार करते आए हैं, लाठी भी खाते आए हैं। हमारे साथ प्रीति जी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, और मगध यूनिवर्सिटी का जो मैटर है, जो बच्चों का दर्द है, वो यही देखेंगे अभी। और 26 जुलाई को राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, कितने छात्र जाएंगे और क्या मुद्दा है, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी का मुद्दा है क्या। 26 जुलाई को इकट्ठा सैकड़ों छात्र होंगे, लेकिन राज्यपाल के पास हम 10 लोग जाकर के अपनी समस्या बताएंगे और उनसे समाधान के लिए गुहार लगाएंगे। समस्या है क्या? समस्या है कि मगध विश्वविद्यालय में पिछले 4-5 सालों से एक भी सत्र पूरा नहीं हुआ है। 2017-20 के स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं मिली है, 18-21 के छात्र सेकेंड ईयर के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और 19-22 के स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर एग्जाम हुआ है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मतलब कि बच्चे एग्जाम भी नहीं दिए हैं अभी, कि एग्जाम दे दिए? जिसके एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट नहीं है, और जिनका रिजल्ट हो गया उनका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो कितने, जैसे थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं वो अभी तक थर्ड ईयर में है। सेकंड ईयर का पेपर हुआ था लास्ट अगस्त में, मतलब 21 में, 2021 में अगस्त में ओएमआर सीट पर एग्जाम हुआ था इनका, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो ऐसा पटना यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं करते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी ही इतने हज़ारों बच्चों को लटकाए हुए हैं, ताकि, क्योंकि आप ही देखती हैं कि रोड पर छात्र उतरते हैं, लाठी खाते हैं, जिनको पढ़ना चाहिए वो लाठी खाते हैं। तो आप जिस दिन उतरेंगी, मुझे लग रहा है कि उस दिन भी लाठी चार्ज होगा ही, तो क्या होगा वो बताएं। जैसा कि हर बार होता है कि छात्र जब भी अपनी मांग लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चार्ज किया जाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे इस शांतिपूर्ण एक व्यवहार को या हमारे कार्यक्रम को लाठी चार्ज करके भगाया नहीं जाएगा। चाहिए क्या राज्यपाल के पास जब जाइएगा आप, तो क्या मांगेंगे, क्या चाहिए? वो तो बोलेंगे कि होगा होगा। जैसा कि अभी आपने सवाल पूछा कि क्यों ऐसा है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी सत्र विलंब है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड मगध का ही हाल क्यों है? तो क्योंकि वहाँ पे जो नवंबर के महीने में हमारे सामने एक घटनाक्रम सामने आया था कि वहाँ पे करप्शन के चार्जेस लगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं उसी की वजह से सत्र इतना विलंब हुआ है। और जब तक वहाँ पे स्थायी तौर पर एक वीसी नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ये समस्याएं खत्म। मतलब गलती किसकी, वीसी की? गलती मैं किसी की नहीं कहूँगी, जो भी हालात हैं वो ठीक नहीं है, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो हम राज्यपाल से यही गुहार लगाना चाहते हैं, सभी छात्रों की तरफ से, कि आप जल्द जल्द से जल्द एक वीसी नियुक्त करें स्थायी तौर पर, और तभी जाकर के वहाँ पे सभी काम कर सुचारू रूप से। जब तक वीसी नहीं आएंगे सही, बिल्कुल, तब तक नहीं होने वाला है। तो और क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगी, क्या होगा 26 तारीख को? सबसे पहले तो मैं मगध विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से अपील करना चाहती हूँ कि इस बार एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आप लोग इको पार्क इकट्ठा होएं, हमारा साथ दें। वहाँ से हम 10 छात्र ही जाएंगे, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि कितने छात्र हैं जो जिनको दर्द है, क्योंकि वो जो बीए का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि जो बीए की तैयारी करते हैं, वो बाकी सोचते हैं कि जॉब जल्दी लग जाए, और जॉब अटका हुआ है, हर चीज़ अटका हुआ है। बिल्कुल। तो उन वो छात्र जो पटना में रह कर तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो छात्र जो दूर दराज के एरिया में भी रहते हैं, गाँव में रहते हैं या किसी भी जिले में रहते हैं, वो सब आए। पैसा भी तो लग रहा है, मुझे लग रहा है जितने लोग अटके हुए हैं मगध यूनिवर्सिटी में, जितने लोग पढ़ रहे हैं, उनका पैसा भी लटका होगा, पैसा रहने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो जो खर्च कर रहे हैं हर साल, और ट्यूशन पे हर तरीके का खर्च है, और वो रहने का खर्च, बिल्कुल, तो इस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है साल दर साल। और उनको लगता है कि एक दिन रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन कब आएगा, एक लिमिट होता है ना। तो अब लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुका है, 4-5 साल बहुत समय होता है, 5 साल बहुत होता है, एक बीए की तैयारी में 3 साल मैक्सिमम, और वो भी तय नहीं है कि कब आएगा। जब तक वीसी नियुक्त नहीं होंगे तब तक समस्या। तो चाहिए आपको बस यही कि वीसी नियुक्त हो, और परीक्षा या फिर जो भी रिजल्ट अभी ड्यू है वो जल्द से जल्द उसको प्रकाशित किया जाए, और उसके बाद जो एग्जाम्स होने वाले हैं जो डिले हुए हैं अब तक, उनको भी कराया जाए। आपको देखने में अच्छा लगता है कि बीए के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उम्र के तो होते नहीं हैं, फिर भी उनको रोड पर उतरना पड़ता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20-22 साल के बच्चे मेरे साथ जुड़ करके अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 6 महीने हम साथ हैं, और छोटे छोटे बच्चे, उनकी समस्या शायद सरकार नहीं समझ पा रही है, नहीं देख पा रही। सरकार कहती है कि रोजगार तो है ही बिहार में, रोजगार तो तब लेंगे ना जब पढ़ाई पूरी होगी, तो पढ़ाई में ही लटका दे रहे हैं, तो रोजगार तो है ही, फिर पढ़ाई लटका हुआ है तो जॉब कहाँ से करेंगे। हाँ, बच्चे मांगेंगे ही नहीं फिर, तो दिख रहा है कि हाँ बहुत रोजगार है। चलिए, तो उस दिन कितने लोग आए, हजारों लोग, 200 लोग, 500 लोग, हम कोशिश कितनी रहेगी? हाँ, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ तो छात्रों को ही देना है, अपनी एकजुटता दिखानी है और अपनी समस्या दिखानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हजारों की संख्या में छात्र आएंगे, और हम 10 लोग जाकर के राज्यपाल से मिलेंगे, और जल्द से जल्द मांग करेंगे कि एग्जाम हो, रिजल्ट जो ड्यू है वो भी आ जाए। हाँ, और
हफ्ते के भीतर वीसी नियुक्त किया जाए। चलिए देखिए क्या कुछ मांग रही हैं प्रीति जी, वो भी देख लिया। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र मांग रहे, ये अकेले नहीं मांग रहे, इनका कोई फायदा नहीं इसमें, आपका कोई फायदा जी, बिल्कुल नहीं। इनका कोई फायदा नहीं है। छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, प्रोटेस्ट करते आए हैं, लाठी खाते आए हैं, और मांग बस इतना है कि जो ड्यू रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और जो बीए में 3 साल लगता है वो 5-6 साल लग गए, उससे भी ज्यादा, तो वो जल्द से जल्द हो। और 26 तारीख को ये लोग जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अब बस देखना यह है कि मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों को न्याय कब मिलता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।